रात है, इसमें मैं मेरे किराएदार हैं वो लोग किराए से उतर के आए, लेकिन मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहते हूँ, लोग मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ। अब 2 महीने 3 महीने किराया दिया, उसके बाद से किराया नहीं दे रहे अभी तक, और मुझे बहुत ज़्यादा हैरेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं वो लोग। तो मैं हबीब मुस्तफ़ा है इनका नाम, और उनके भाई भी हैं, उन्हें 2 साल से किराए से हैं, उन्हें 1.5 साल के करीब हो गया ऑलरेडी, इससे ज़्यादा ही हो गया। मेरे साथ 8,000 बोली थी, मगर उन्हें 7,000 ही दे रहे थे किराया मेरे पे। अग्रीमेंट दिए मगर उन्हें साइन नहीं करे अग्रीमेंट पे उन्हें, इसलिए कि वो बोले मैं आज करता हूँ कल करता हूँ, बल्कि लिए मगर उस घुमा दिए पेपर, दो बार भी बना के दी तो दो बार भी उन्हें घुमा दिए पेपर। अब क्या कर रहे हैं? अब उन्हें परेशान कर रहे हैं मेरे को, पार्टियों को ला के बता रहे हैं मेरा घर बेच देने के लिए, और मुझे उनके 3 भाइयाँ भी है, परेशान कर रहे हैं। हबीब बासी थे, हबीब मुस्तफ़ा और हबीब अहमद थे। अब उन्हें इलीगल तरीके से आके रह गए, उन्हें असल में रह गए। मैं इससे पहले शिकायत करी थी 2 महीने मार्च में करी थी मैं शिकायत उनकी, पुलिस वाले बोले ठीक है उनको बुला के बात करे, 2 महीने में घर खाली करते बोल दिए, उसके बाद से उन्हें घर खाली नहीं करे, कोर्ट में केस कर दिया उन लोगों, उसके बाद से मुझे परेशान कर रहे कि मैं घर खाली कर दूं, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को वो मार देते, तुम्हारे ऊपर आके मार देते, कोई भी नहीं रहते घर में, अकेले रहते तुम। नहीं मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं मेरा बच्चा अकेले रहते घर में, अब बच्चा पहले हॉस्टल में रहता था, अब जब से लोग परेशान करने लगे तो फिर मैं उनको बुला ली मेरे साथ, मेरे नाम पे ही है घर। पुलिस वालों से बात हुई तो उन्होंने एक्शन लेते बोले, लेकिन मुझे अब तो बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हो लोग कि घर भेज देते हम दूसरों को, यहाँ से खाली करके चले जाओ, खाली करके चले जाओ बोल रहे हो लोग। मैं मुलाडीपल्ली पीएस में कंप्लेन करी। आपके किराएदार से आप कोई एग्रीमेंट, कोई साइन वगैरह कोई पेपर पर करे थे इससे पहले या अभी भी? नहीं नहीं, अग्रीमेंट पे किसी पे भी साइन नहीं करे, लगा घुमा दिए पेपर उन लोगों, साइन करने के वास्ते मैं अग्रीमेंट पे दी थी, उन्होंने बोले गुम हो गया तो फिर दूसरा बना के दी मैं उनको। जो घर में मेरे किराए से रहते हैं ना, उनका नाम अभी मुस्तफ़ा है, उनके 2 भाई और हैं, उन लोग भी पास पास वक्त आके उन लोग उनके दूसरे लोगों के साथ आके नीचे घर में हॉल में बैठ के परेशान करते, 8-8, 10-10 लोग आते परेशान करते। उन लोग हबीब बासी थे दूसरे भाई का नाम, और एक दूसरे भाई क्या और एक है उन हबीब अहमद है उनका नाम, उन लोग क्या करते मीटिंग करते नीचे, अब ना मैं फर्स्ट फ्लोर से नीचे नहीं जा सकती, नीचे रही तो ऊपर नहीं जा सकती, उन लोग दरवाज़ा खुला रख के बैठ के उन लोग मीटिंग करते, धमकी देते, उनकी वाइफ भी आके मैं कई मरतबा धमकी दे के गए उन्होंने, और उन्होंने बोले ऊपर से छत पे से फेंक देते भी बोले उन्होंने मेरे को, आप अकेले ही रहते आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको मार के फेंक भी दिया तो कोई भी नहीं देखते आपको, बल्कि ये भी बोले उन्होंने हमको। अभी आप खुद पीएस में कंप्लेंट करें? मैं मिलाडीपल्ली में पीएस में कंप्लेंट, अभी सर इन्वेस्टिगेशन तो कर दे बोले, सीआई सर से बात हुई मेरी, इन्वेस्टिगेशन करते बोले उन्होंने, तो इंशाल्लाह उन्होंने मुलाकात करते बोले, पर अब पुलिस से गुजारिश है कि फिर इन्वेस्टिगेशन अच्छी करें तो मुझे इंसाफ दिलाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ लोगों की वजह से, साथ से डीसीपी साहब से कि मुझे इंसाफ दिला इस चीज़ के लिए, और ये लोग हबीब मुस्तफ़ा और बासित और अहमद ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, तो मुझे प्लीज़, मैं मेरे बच्चा अकेले रहते हैं घर में, इन लोगों से मेरे को जान का धोखा है, मेरे लिए बहुत परेशान है लोग, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को, मेरे बच्चे को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं अकेली रहती हूँ घर में, मेरी कमिश्नर साहब से डीसीपी साहब से गुजारिश है, मेरे बच्चे की जान को धोखा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है लोग तो मेरी अच्छी सी मदद करें, मैं तो बहुत परेशान हूँ इस चीज़ के लिए।